फ्रेंड्स, अगर आपका ईमेल आईडी आपको पता है बट इसका जो पासवर्ड है आपको पता नहीं है, देन इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस टाइम आप अपना जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो आप लोग रीसेट कर सकते हो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ईमेल आईडी की पासवर्ड इजिली रीसेट कर पाओगे। तो यार इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो एंड्रॉइड फोन है इस पे आ जाओ। एंड इस पे आपको कोई सा भी एक एप्लीकेशन देख लेना है जो कि यार गूगल आईडी से चलती है, यानी कि जो जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी से चलती है। मन के चलो कि अगर आपके फोन पे अगर प्ले स्टोर है तो सिंपली आप अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लो। तो जैसे भी इस प्ले स्टोर को ओपन करोगे देन आपके सामने यहाँ पर ऊपर में आपको जो यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे अब इस पे क्लिक कर दोगे देन आपके सामने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल अकाउंट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप लोग जैसे इस गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दोगे देन आपका जो गूगल अकाउंट है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, तो अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो सिंपली आप लोग क्या करो, यहाँ पर स्लाइड स्वाइप करो एंड आपको यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही इस पे क्लिक कर दोगे देन आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा सिक्योरिटी का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा आएगा। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड देख लेना, तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर मिल चुका है पासवर्ड। तो सिंपली हम इस पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे भी इस पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे देन थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है एंड आपके सामने इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है तो सिंपली ये जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलती है इस पे क्लिक कर दो। तो जैसे अब इस पे क्लिक कर दोगे देन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो सबसे पहले आ जाएगा यूज योर स्क्रीन लॉक, यही है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो सिंपली इसको आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो सिंपली आपको इस कंटिन्यू का ऑप्शन जो मिलती है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे देन यहाँ पर आ जाएगा यूज योर स्क्रीन लॉक। तो सिंपली अगर आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह है तो देकर आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इस पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दो एंड यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आप लोग एंटर कर दो। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो ऊपर में जो राइट का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे भी इस पर क्लिक कर दोगे देन आपका जो सक्सेसफुली जो स्किल होगा ये जो है सबमिट हो जाएगा एंड आपके सामने पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हो न्यू पासवर्ड एंड कंटिन्यू न्यू पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो पासवर्ड आप जो भी पासवर्ड अभी देना चाहते हो वो पासवर्ड आप एंटर कर दो। तो फ्रेंड्स पासवर्ड को एंटर करने के बाद सिंपली आपको कंफर्म के ऊपर आप फिर से वही पासवर्ड आपको लिख लेना है एंड ये जो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलती है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली इस चेंज पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे अभी चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे देन आप लोग यहाँ पर प्लीज उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड मैंने दिया है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ सिंपल सा स्टेप से। यहाँ पर एक जो एट द रेट मैं यहाँ पर एड कर देता हूँ। तो आप भी स्टेप से कर सकते हो, आप अपना पासवर्ड को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। तो करने के बाद सिंपली आपको ये चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे योर पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है, आप लोग शायद यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो सिंपली हमें क्या करना है, क्लोज के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे हमारा जो पासवर्ड है सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, देख सकते हो पासवर्ड चेंज हो चुका है इंडिया में 6:07 के अंदर। तो फ्रेंड इसी टाइप से आप अपना ईमेल की जो पासवर्ड है आप लोग फिर से रिसेट कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। देन होप कर दूंगा आपको ये जो वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।